नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। बीजेपी ने रविवार को पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया। इसके अलावा नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड हैं। वह बीजेपी की इस कार्यवाही पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट अली मेहंदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट के दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यवाही की है, क्योंकि इन देशों से हमारे बिजनेस जुड़े हुए हैं, वहां से हमारे यहां तेल आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मिडिल ईस्ट देशों के दबाव में भाजपा ने कार्रवाई की है, जिससे कि दिखाया जा रहा सके कि हमने अपने 2 प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। अच्छा तो तब होता जब देश में इसके विरोध में आवाज उठ रही थी, तब इन पर कार्रवाई होती। उन्होंने कहा कि हर किसी का धर्म अपने आप में सम्मानित है, उस पर अगर कोई कुछ बोलता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिलने पर अली मेहंदी ने कहा कि इस्लाम में किसी को भी मारने की बात नहीं की गई है, यह गलत है। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें नुपुर शर्मा के बयान को पार्टी से संविधान के खिलाफ बताया गया। इसलिए पार्टी की अनुशासन समिति इस मामले में जांच पूरी होने तक नुपुर शर्मा की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी है। पत्र बीजेपी के अनुशासन समिति के सचिव ओम पाठक की तरफ से जारी किया गया। वहीं एक अन्य पत्र दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से जारी किया गया, जिसमें नवीन कुमार जिंदल को सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। नवीन कुमार पूर्व पत्रकार हैं, फिलहाल दिल्ली बीजेपी मीडिया सेल के हेड हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।